नगर निगम के कर्मचारी द्वारा एक कचरा गाड़ी में शहर के बेसहारा बुजुर्गों को पशुओं की तरह भरकर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे छोड़ने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज संभाग आयुक्त कार्यालय पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूं तो देश के हर हिस्से में वृद्धा आश्रम खुले, सरकारें बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बनने का दावा भी खूब करती है, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिस इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की बदौलत स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर नंबर वन बना था, उन्हीं कर्मचारियों का ऐसा अमानवीय चेहरा देखने को मिला है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी के चलते मंगलवार को शहर कांग्रेस के संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंप दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने और कहीं ने हमने उन्होंने दुख जताया, पूरे देश की लोगों ने दुख जताया कि इतनी निर्मम निर्दयता से हमारे गरीब जो बुजुर्ग हैं, जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पड़े, उनको एक मवेशी तरह से, पशु तरह से उनको ठूस ठूस के भर के जंगलों में जाके छोड़ रहे थे। तो पूरा देश मतलब दुखी था कि ये इंदौर में इस तरह से मानवता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, वहाँ का प्रशासन को मानवता है कि नहीं, अमानवीय तरीके से, और सरकार भी मूक दर्शक बन के सुन रही देख रही मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। इसीलिए आज हमारे इंदौर के जाबाज कार्यकर्ता नेताओं ने आज यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर उनको ज्ञापन देंगे, महामहिम राज्यपाल के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, तत्काल इस सरकार के ऊपर कार्रवाई करें। और ऐसे इंदौर जैसे हालत पूरे प्रदेश में हो रही है, हर बुजुर्ग को मतलब गलत निगाह से देखा जा रहा है सरकार की तरफ से और वहाँ की नगर पालिका नगर निगम, तो नगर निगम के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और बुजुर्ग जितने भी प्रदेश में हैं उनको सम्मान के साथ रखने की जगह स्थापित ढूंढे और खाने पीने की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश सरकार की नैतिक जवाबदारी है। हम शिवराज जी से अनुरोध करते हैं कि उन बुजुर्गों को सम्मान के साथ खाने पीने कपड़े लत्ते जब तक जिंदे रहे उनको ये सरकारी संपत्ति घोषित करें और उनको जीने का सहारा दे, ये हमारी मांग है। नहीं तो आज मतलब जंगल में जाके छोड़ दिए थे, अगर मान लो वहाँ आवाज़ नहीं उठाते इंदौर के निवासी तो आज उनको जानवर खा जाते, वो क्या बेमौत मारे जाते लोग। इसलिए आज हम लोग पूरे कांग्रेस के साथी लोग यहाँ पर आए हैं और हम मांग करते हैं कि सरकार और नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई करें, दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करें, ये हमारी मांग है। हिंदुस्तान के इतिहास में सने सने जैसे जैसे हिंदुस्तान के अंदर हिटलरी का शासन बढ़ते जा रहा है, ये सब उसके परिणाम हैं। जिस देश में बुजुर्गों की कदर नहीं वह देश देश नहीं। ऐसा ही एक कायराना वाकया आज इस इंदौर शहर के अंदर आज से चार दिन पूर्व देखने को मिला है कि शहर के वो बुजुर्ग जिनसे सभ्यता संस्कृति जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम सब खुशहाल रहते हैं, हम सब पल्लवित रहते हैं, ऐसे बुजुर्गों को नगर निगम की गाड़ी के अंदर छोड़ में बिठा करके छिपरा नदी के पास ले जाना एक कायराना कार्य है। भोजा शेख अलीम जी के नेतृत्व में आज कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन दिया। जिस तरीके का ये कृत्य हुआ है माँ अहिल्या की नगरी, इससे शर्मसार हुई है। हमारा देवी अहिल्या की नगरी में बुजुर्गों का सम्मान है और गरीबों का सम्मान है। जहाँ गरीबों को मदद करना चाहिए वहाँ प्रशासन के लोग और नगर निगम के कर्मचारी खुली गाड़ी में भर के उनको छोड़ के आ रहे हैं गाँव में। उनमें कुछ लोग मिले कुछ लोग नहीं मिले, उसको लेकर आज ये प्रदर्शन है। और विशेष तौर पे जो गैस की मूल्य वृद्धि रुक नहीं रही है उसको लेकर भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष है और आम जनता की आवाज़ बन के शासन प्रशासन के नाम राष्ट्रपति के नाम भी एक ज्ञापन सौंपेगी। देखिए ये जो धरती है ये श्रवण कुमार की धरती है। वो श्रवण कुमार वो व्यक्ति था जिसने अपने अंधे बुजुर्ग माता पिता जो लाचार थे जो चलने में असक्षम थे उनको पूरे चार धाम की यात्रा कराई। ये उस श्रवण कुमार की धरती है, ये उस महात्मा गांधी की धरती है जिन्होंने हमेशा बुजुर्ग असहाय लोगों की सेवा करने में अपनी जिंदगी गुजारी। ये उस व्यक्ति की जिंदगी जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री ने अपने देश की संपत्ति पूरी जो थी वो राष्ट्र के नाम समर्पित कर दी बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए। लेकिन आज चार बार का इंदौर शहर तमगा लगा है कि स्वच्छता में नंबर वन है,
उसी स्वच्छता के तमगे ने आज कलंक लगा लिया है। केवल कारण एक, बुजुर्गों को शहर से हटाओ, भिखारियों को शहर से हटाओ। ये शहर हर व्यक्ति का है और शहर के रहने वालों से शहर बनता है, शहर के अधिकारियों से शहर कभी नहीं बनता। अधिकारी कुछ दिनों के लिए आते हैं लेकिन शहर का नागरिक शहर में रहता है। आज जो हर धर्मिता नगर निगम ने की है, बुजुर्गों को कचरे की तरह छिपरा में फेंकने का प्रयास जो किया है, वो कहीं ना कहीं अशोभनीय व्यवहार है, उसके खिलाफ यह अनोखा प्रदर्शन है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह की हरकत की गई है, जो बड़ी ही निंदनीय है, पूरी माँ अहिल्या की नगरी को शर्मसार कर दिया गया है कि बुजुर्गों को भेड़ बकरी की तरह कचरा गाड़ी में भर के उनको नदी किनारे छोड़ा गया। इससे शर्मनाक कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये पूरी शहर को, इंदौर शहर को, माँ अहिल्या की नगरी को शर्मसार किया गया है। तो इसी विरोध में आज ये शहर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन, संभागायुक्त को ज्ञापन दिया जा रहा है। नगर निगम में जो बुजुर्ग और महिलाओं के साथ जो रेन बसेरा में था, जिनके साथ जो अमानवता घटित हुई है, वो एक शर्मसार है। और मुझे तो लगता है ना, अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। शिवराज सरकार के लिए भी एक शर्मनाक बात है, जिस तरह से वो कहते हैं कि हम बुजुर्ग और बेटी और उनका ध्यान रखते हैं और महिलाओं और बुजुर्गों से जिस तरह से घटना घटी, ये हमारे शहर के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक शर्मनाक घटना है। और इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और आने वाले कल उग्र आंदोलन करेंगे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर।